जलगांव जिले की जेल से शनिवार सुबह 3 कैदी फरार हो गए और यह कारनामा उन्होंने गेट पर जो वॉचमैन पुलिस वाला था उसे रिवाल्वर दिखाकर उसका गला दबाकर किया। कैदियों के इस तरह से भाग जाने के बाद जेल के प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जेल में सीसीटीवी बिल्कुल भी बंद अवस्था में है, किसी भी सीसीटीवी में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है, ना ही वहां किसी भी तरह की हलचलें दिखाई दी जाती है। दूसरी जगह के सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति इन तीनों कैदियों को लेकर फरार होता नजर आ रहा है। बताया जाता है कि यह कैदी और यह फरार करवाने वाला युवक सभी साथी हैं। अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है और आशा कर रही है कि जल्द ही उन्हें पकड़ लिया जाएगा। जैसे ही यह खबर जिले के पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल को मिली, वो तुरंत जेल की ओर निकल पड़े और जेल के अंदर जाकर सभी बातों का जायजा लिया। उसके बाद उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनते हैं। या ठिकाणी तटबंदीची अत्यावश्यक गरज आहे। मागच्या काळातही अशाच पद्धतीने कैदी या ठिकाणी फरार झाला होता। त्याचप्रमाणे 200 कॅपॅसिटी असल्यावर सुद्धा 400 वरती इथे कैदी आहेत आणि अर्धा स्टाफ जवळपास या ठिकाणी जो पाहिजे आहे तो नाही आहे। त्यातल्या त्यात DYSP रेग्युलर पोस्टिंग इथे जी पाहिजे ती पण नाही आहे। हे जे सध्याचे अधिकारी आहेत ते फक्त 15-20 दिवसापासून इथे आलेले आहेत। सीसी कॅमेरे बऱ्यापैकी बंद असल्यामुळे आणि कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा असल्यामुळे ही घटना या ठिकाणी घडलेली आहे। जलगांव में कैदियों की दादागिरी बहुत बार देखी जा चुकी है और जेल प्रशासन कई बार अपनी गलतियों की वजह से सुर्खियों में रह चुका है। अभी भी जेल प्रशासन खुद को बचाने और यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जलगांव की जेल में जरूरत से ज्यादा कैदी बंद हैं, जिनको संभालना प्रशासन के लिए मुश्किल होता है। सकाळी 7:25 ते 7:30 च्या दरम्यान 3 बंद्यांनी पलायन केलेला आहे। सदरच्या बंद्यांनी मेन गेटवरील कर्मचाऱ्यांशी झटापट करून ते बंद्यांनी पलायन केलेलं आहे। तुमच्याकडे रिव्हॉल्वर कसा आला मध्ये, ते काही सांगतो सांगू शकतो? सर, यामध्ये दोषी कर्मचारी आहेत, त्यांच्यावरती कारवाई करणार का? कारण वरिष्ठ कारवाई करतीलच नाही। यामध्ये 3 आरोपीने वागे जो गेटकीपर आहे जेल पोलीस पंडित दामू गुंडाळे, इन्होंने आखिर जिला पेट पुलिस थाने में फिरिया दाखिल किए। उसमें से वो लोगों ने तीनों ने उनको मार जोड़ करके उनका नली दबाने की कोशिश की और उनको सर पे 3 कट्टे लगाए बंदूक लगाकर उसमें उनको जान से मारने का हमला किया। इस वजह से आज जिला पेट पुलिस थाने में गुना रजिस्टर नंबर 81/20 बादवी कलम 353, 307, 224, 120 के तहत गुना दाखिल किया है। API जादो तपास कर रहे हैं और साथ में डिटेक्शन की टीम उनके साथ में काम कर रही है। अलग अलग जगह पे हमारी टीम रवाना कर दी है। यह सारे बहाने भले ही जेल के अधिकारी करें, लेकिन एक कैदी के पास रिवाल्वर का पाना बहुत बड़ी बात है और यह खबर बहुत बड़ी है कि जलगांव की जेल से 3 कैदी फरार हो जाते हैं और जेल प्रशासन हाथ मलता रह जाता है। देखना है कि अब इस गलती के जिम्मेदारों को प्रशासन की ओर से क्या सजा मिलती है या फिर बाकियों की तरह इसे भी कहीं दबा दिया जाएगा। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत और जकी अहमद के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।